आज हम बनाएंगे मसालेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चाउमीन। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले चाउमीन को अच्छे से उबाल कर, अच्छे से मैंने इस तरीके से ठंडा कर लिया है, उबाल कर निकाल कर। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, तो कढ़ाई में हम तेल गरम कर देंगे। तेल जब गरम हो जाए तो हम इसमें हरी मिर्च बारीक काट कर और प्याज बारीक काट कर हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो प्याज को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है और इसका क्रंचीनेस रहना चाहिए। अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे, साथ में कैबेज डाल देंगे और आप अपने मनपसंद जो सब्ज़ी डालना चाहे वो डाल सकते हैं, चाहे तो गाजर भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है। यहाँ पे मैंने बंधा गोभी डाला था। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा सा हम लोग इसमें बीटरूट डाल देंगे ताकि इसका कलर बहुत अच्छा है और बीटरूट बहुत हेल्दी भी होता है हमारे हेल्थ के लिए। सारे मसाले को अच्छे से सॉफ्ट कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अब हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे थोड़ा सा। सोया सॉस के बाद हम इसको अच्छे से मिला देंगे और थोड़ा सा हम इसमें विनेगर डाल देंगे। तो विनेगर भी हमने डाल दिया है। तो विनेगर मैंने इस कंपनी का लिया है, आप देख सकते हो। और अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे और कोई मसाला हम इसमें नहीं डालेंगे, ज़्यादा मसाला नहीं डालना है। और ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा सब्जी एकदम अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम केचप डाल देंगे, टोमेटो केचप। आप चाहे तो इसी स्टेज पर चिली सॉस भी डाल सकते हैं, बट मैंने अभी नहीं डाला है, मैं थोड़ी देर बाद डालूंगी। ये देखिए हमारा कितना मस्त सब्जी रेडी हुआ है मसालेदार। तो अब हम इसको अच्छे से पका लेने के बाद चाउमीन डाल देंगे इसमें। तो यहाँ पे हमने चाउमीन लिया, चाउमीन को अच्छे से इसमें डाल दे। और चाउमीन डाल लेने के बाद सबसे मेहनत वाला काम इसको अच्छे से मिलाना होता है। तो धीरे धीरे करके हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो चलिए मिलाकर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मिला लिया है हमने। अब इसमें हम डालेंगे चिली सॉस। यहाँ पे मैं चिली सॉस डाल रही हूँ। आपको जितना चिली पसंद है आप उतना ही डालना। तो यहाँ पे हमने चिली सॉस डाल दिया, इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे चाउमीन में। और चाउमीन का कलर देखिए फ्रेंड्स, बीटरूट डालने से कितना अच्छा कलर आया है और कितना यम दिख रहा है। अब हम इसमें चाउमीन मसाला डाल देंगे थोड़ा सा। और चाउमीन मसाला डाल देने के बाद हम इसमें धनिया के पत्ते बारीक काट कर डाल देंगे और इनको अच्छे से मिला देंगे। तो चाउमीन हमारा रेडी है सर्व करने के लिए। तो चलिए सर्व करते हैं और इसे खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सर्व कर दिया है, ऊपर में मैंने थोड़े प्याज से इसका गार्निशिंग किया है ताकि अच्छा लगे। और चाउमीन हमारा रेडी है रेस्टोरेंट स्टाइल।